मारूफ लोक गुलकार आलम लोहार को हमसे बिछड़े 41 बरस बीत गए। समातों पर वजह तारी कर देने वाले आलम लोहार को पंजाबी गीतों का शहंशाह कहा जाए तो गलत ना होगा। आलम लोहार ने चिमटे को बतौर म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किया और दुनिया को एक नए साज से मुतारिफ कराया। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। मारूफ लोक गुलकार आलम लोहार की 41वीं बरसी आज मनाई जा रही है। 1 मार्च 1928 को गुजरात के नवाह में पैदा हुए उनके गाए हुए पंजाबी गीतों की खुशबू आज भी चारसू फैली है। समातों पर वजह तारी कर देने वाले आलम लोहार ने जिंदगी के आगाज में अपने दौर के थिएटर्स में गीत गाकर शोहरत की बुलंदी पर पहुंच गए। हीर वारिस शाह ने इनको शोहरत की नई बुलंदियों पर पहुंचा दिया। उन्होंने हीर वारिस शाह को मौसीकी के 30 से ज्यादा असनाफ में गाकर ऐसा रिकॉर्ड बनाया जो आज भी पंजाब की मिट्टी में खुशबू की मानिंद रचा बसा है। आलम लोहार ने कई मुनफिद नगमे तख्लीक किए जिनमें वीर मिरिया जुगनी, ए धरती पंच तरियां दी, वज्जा मारियां, दिल वाला दुखड़ा, मोडा मार के हिला गए, किस्सा सोहनी माहीवार और दीगर बेशुमार गाने शामिल हैं। आलम लोहार ने चिमटे को बतौर म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किया और दुनिया को एक नए सांस से मुतारिफ कराया। पंजाब के इस लोक गुलकार को चिमटा बजाने में कमाल का फन हासिल था। आलम लोहार 3 जुलाई 1979 को ट्रैफिक हादसे में जाँ बाँक हो गए थे। आपको लाला मूसा में दफन किया गया।